देवभूमि में हादसा, पहाड़ों से आई आफत। देवभूमि में प्रलय की पल पल की खबर। त्रासदी के सैलाब से जीतेगा उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आज का भारत एट नाइन कल से ताल्लुक रखता है, क्योंकि कल भारत ने ऐसी तस्वीरें देखी जिन्हें देखकर उसका दिल दहल गया। तो कल सुबह करीब 10 बजे का वक्त, जगह उत्तराखंड में चमोली जिले का रेड़ी गांव। ग्लेशियर फटने से आपदा आ गई। ग्लेशियर फटने से धौली गंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिससे चमोली से लेकर हरिद्वार तक खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तबाही की पहली खबर से लेकर राहत बचाव कार्य तक की पूरी जानकारी समय दर समय देखिए पूरी टाइमलाइन हमारी स्क्रीन पर। सुबह 10:40 पर चमोली जिले के श्री गंगा नदी में हिमखंड टूटने से नदी ने लिया रौद्र रूप। सुबह 11:10 पर श्री गंगा वन और देवड़ी बांध को क्षतिग्रस्त कर बहाव आगे बढ़ा। सुबह 11:45 पर जोशी मठ को पार कर विष्णुगाड़ पिपलकोटी परियोजना तक पहुंचा बाढ़ का पानी। दोपहर 12:12 पर चमोली को पार कर नंदप्रयाग पहुंचा पानी। दोपहर 12:56 पर चमोली के जिलाधिकारी ने अधिकारियों को धौली गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। दोपहर 1:04 पर हेल्पलाइन नंबर 1070 या 9557444486 जारी किए गए। दोपहर 1:22 पर सभी जिलाधिकारियों को आपदा चेतावनी भेजी गई। दोपहर 1:58 पर बचाव कार्य के लिए वायुसेना ने तैनात किए 3 हेलीकॉप्टर। दोपहर 2:51 पर आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया। शाम 6:38 पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। शाम 7:36 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 2,00,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की। वहीं गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रकृति की विपत्ति के आगे नहीं झुकेगा उत्तराखंड। तबाही का मंजर और बेखौफ हमारे जवान। तबाही की पूरी दास्तान, पल पल की खबर। देवभूमि यानी उत्तराखंड में आई ये त्रासदी दिल को झकझोर देने वाली है। सुबह करीब 10 बजे चमोली जिले में जोशीमठ के पास तपोवन वैली में ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा, जिसके बाद नदी में जैसे सुनामी आ गई। ग्लेशियर टूटने की आवाज कोसों दूर तक सुनाई पड़ी और देखते ही देखते नदी का रौद्र रूप सीमाएं लांघने लगा, बांधों को तबाह करने लगा। प्रलय की आहट से लोग दहशत से भर गए। नजरें नदी के प्रचंड वेग पर टिक गई। ऋषि गंगा का प्रचंड वेग पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर तबाही बनकर टूटा। देखते ही देखते आसपास के इलाके जलमग्न होने लगे। हर तरफ मलबा ही मलबा फैल गया। बिजली संयंत्र में काम करने वाले सैकड़ों लोग प्रकृति के इस प्रकोप के शिकार बन गए। आनन फानन में राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो रूह को कपा देने वाली थी। लोगों को 7 साल पहले हुई केदारनाथ त्रासदी का त्राहिमाम याद आने लगा। रेस्क्यू में अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, एक ही बात मैंने कहा कि एक रेस्क्यू एक ही जगह पे बचा है जो बड़ी टनल है, उसको खोलने में मलबा बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो उसको खोलने में टाइम तो लगेगा, यही दिक्कत है। ग्लेशियर टूटने से ऋषिनंदा नदी और धौल गंगा नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसे देख आसपास के लोग सिहर उठे। नदी ने 2 तटबंधों को धराशायी कर दिया। तेजी से आगे बढ़ रहा सैलाब सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखने लगा। प्रलय का शोर ही लोगों का कलेजा फाड़ देने वाला था। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी त्रासदी के वीडियो का सैलाब आ गया। लोग वीडियो देख सहम गए। अब
अभी वहाँ पे बहुत वायरस थे, उन वायरस को वापस बाहर लाया गया है और दोबारा से फिर जेसीबी अंदर तक जा रही है और फ्लश क्लियर करते करते लोगों को। हमारा मेन ब्रिज था रैणी वाला, जो पुल बाहर है उसके उधर 13 गांव हमारे प्रभावित है और उधर में भी अभी हम लोग राशन पैकेट भेज रहे हैं और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो सब कुछ वहाँ पे हेली से। कोई कैजुअलिटी की खबर वहाँ से? त्रासदी के तांडव की ये चार तस्वीरें देखिए, एक तरफ जल प्रलय है तो कहीं भारी तबाही के खौफनाक मंजर, तो कहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के वो दिलेर लोग जो जान जोखिम में डालकर लग गए देश सेवा में। इन तस्वीरों से ही सूरत-ए-हाल समझा जा सकता है। इसके बाद उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देश उत्तराखंड के साथ है। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी ना हो इस पर जोर दिया जा रहा है। अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम, अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं, तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन्ड हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था, उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे, उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं, तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है। लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बच्चे ही नहीं है कि कागजों के आधार पर कुछ कह सकें। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है, हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास ITBP, SDRF, NDRF, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है। तपोवन में एक टनल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसमें जल प्रलय के चलते कई मजदूर फंस गए, जिनको रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। जिस वक्त ग्लेशियर टूटा उस वक्त पावर प्लांट पर करीब 200 से 250 मजदूर काम कर रहे थे। रेड़ी गांव वाला डैम मलबे में तब्दील हो गया, जहां सैकड़ों लोग लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। सेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव कार्य में लगाए गए। प्रकृति ने देवभूमि की परीक्षा कई बार ली है, लेकिन देवभूमि ने हर विपत्ति का डटकर सामना किया है और हर बार जीत की एक नई इबारत लिखी, और आज पूरा देश देवभूमि के साथ खड़ा है और हम इस विपत्ति को हराएंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो कल जो कुछ हुआ उसका असर आज भी है, लेकिन आज मैं उन बातों पर बात नहीं बल्कि आपसे संवाद करूंगा। मैं आपसे उत्तराखंड के अपने सभी भाई बहनों से संवाद करूंगा। मैं सभी के लिए दुआ करता हूं और मैं जानता हूं कि हमारे राष्ट्र में इतनी शक्ति है कि हम हर विपदा का सामना करने से डरते नहीं हैं। आज पूरा राष्ट्र उत्तराखंड के साथ खड़ा है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस विपदा की घड़ी में हम सब साथ हैं। हमारे देश ने हर उस साजिश को नेस्तनाबूद किया है जिसने हमें डराने की कोशिश की है, चाहे वो साजिशें रही हों या फिर ये प्राकृतिक आपदाएं। हम हमेशा की तरह यूं ही हर विपत्ति का सामना कर आगे बढ़ते रहेंगे। उत्तराखंड के मेरे भाइयों में बहुत शक्ति है, वो इस घड़ी को भी भाई जी सब ठीक है कहके दोबारा आगे बढ़ जाएंगे। इस त्रासदी से ना डरेंगे ना झुकेंगे। महाप्रलय पर एकजुट हिंदुस्तान।
देवभूमि के साथ खड़ा पूरा भारत। दोपहर में आई इस खबर और तस्वीरों ने भयंकर हलचल मचा दी। प्रचंड जल प्रलय जैसे सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। ग्लेशियर टूटने के बाद आई त्रासदी दिल दहला देने वाली थी। आईटीबीपी के मुताबिक 100 से 150 लोगों के हताहत होने की आशंका है। पूरा देश आज दुआ कर रहा है कि हताहत लोगों की संख्या कम से कम हो। चमोली में आई हाहाकारी लहरों ने जमकर तांडव किया। हाहाकारी लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे बहा ले गई। जोशी मठ में हाहाकारी लहरों ने ऐसे स्ट्राइक किया जैसे सुनामी आई हो। इसके बाद अलकनंदा और ऋषि गंगा में जल प्रवाह तेज होता चला गया। जो लोग जल प्रलय की आवाजों को अपने कानों में सुन रहे थे उनके होश उड़ गए। जल प्रलय बस्तियों को अपने साथ समेटे लिए जा रहा था। उत्तराखंड को इस वक्त दुआओं की जरूरत है। देवभूमि के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा है। दर्द बांटेगा साथ खड़ा है पूरा भारत। तो ये सब तस्वीरें आपने देखी। आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी। उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश ने वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी थी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 20 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है। इसके साथ ही अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वो भी आ गया है और मदद करें। ऋषभ पंत जैसे जो क्रिकेटर हैं वो भी आ गया है। उन्होंने IPL की जो अपनी फीस थी वो भी आ गया कर दी है। तो ऐसे में Bharat@9 के जरिए मैं चाहूँगा कि आ आप लोगों तक ये बात पहुँचे कि आप भी आगे आएँ और उत्तराखंड वासियों की मदद करें, मेरे भाई और बहनों की मदद करें और उत्तराखंड को संवारने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।